हेलो स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हाउ टू टेस्ट योर परफॉर्मेंस एट बकलू। सो बकलू पे आप अपना परफॉर्मेंस कई तरह से टेस्ट कर सकते हैं। इसमें दो चार सेक्शंस बने हुए हैं। पहला ऑप्शंस के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बॉटनी एंड जूलॉजी, ऑल सब्जेक्ट्स के आपको क्लिक करने पे सारे सेक्शंस, चैप्टर्स एंड टॉपिक्स आपको दिखाई देंगे। किसी भी टॉपिक्स को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करते ही एग्जैक्टली सेम क्वेश्चंस जो आप प्रैक्टिस करते समय आपको मिले थे, वही सारे क्वेश्चन यहाँ आपको दिखाई देंगे सेम ऑर्डर में। पहले इजी क्वेश्चंस, फिर थोड़ा डिफिकल्ट, फिर थोड़ा और डिफिकल्ट, ऐसा ही चलता जाएगा। इसमें आप जो भी ऑप्शन करेक्ट समझते हैं उसको क्लिक कीजिए। चेक आंसर पे क्लिक करने पे इस बार आंसर चेक नहीं होगा, ये सिर्फ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाएगा। जो भी आंसर है आप इस पे नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएंगे चूज करके। आपको अगर नहीं लगता है कि नहीं आप नहीं जानते हैं, तो आप डायरेक्ट भी स्किप कर सकते हैं। चूज करते जाइए, या बिना चूज किए हुए आप नेक्स्ट नेक्स्ट पे जा सकते हैं। मैं 15 क्वेश्चन तक इसमें बना लेता हूँ, उसके बाद आगे के स्टेप्स देखेंगे। आप जहाँ तक चाहें वहाँ तक सॉल्व कर सकते हैं, अपने लेवल के हिसाब से कि आपकी प्रिपरेशन कितनी है, उस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं कि किस लेवल तक जाना है। जब आपको लगने लगे कि नहीं है, ये मेरी तैयारी इतनी लेवल तक थी, इसके आगे के क्वेश्चंस डिफिकल्ट हैं, तो आप वहीं पर रुक जाइए। उसके आगे के क्वेश्चंस को आप ना ओपन करें। ओपन करने पे आपका थोड़ा जो ग्राफ बनकर आएगा वो अच्छा नहीं होगा। मैं अभी दिखाता हूँ क्वेश्चन नंबर 20 तक। ये क्वेश्चन नंबर 20 तक हमने सॉल्व कर लिया। इसमें कुछ क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं, कुछ मैंने बस रैंडमली टिक कर दिए, मैंने चेक नहीं किया आंसर सही है गलत। नाउ वंस यू फिनिश योर टेस्ट, जहाँ तक भी आपको जाना है उसके आगे के क्वेश्चन ना ओपन करें, क्योंकि ओपन करेंगे तो ग्राफ में वहाँ तक का ग्राफ बन के आएगा। उसके बाद आप इस सबमिट टेस्ट पर क्लिक कर सकते हैं। व्हेन यू विल क्लिक ऑन दिस सबमिट टेस्ट, आपको पता चल जाएगा कि आपने इसमें से कितने क्वेश्चन सही किए हैं, कितने गलत किए हैं और कितने नहीं अटेम्प्ट किए हैं। इसके साथ ही आपको एक ऑप्शन दिखेगा यहाँ, सी टेस्ट रिपोर्ट। सी टेस्ट रिपोर्ट पे क्लिक करते ही यू विल सी अ ग्राफ, जितने भी क्वेश्चन आपने बनाए हैं उसमें कितना टाइम स्पेंड किया है, वो सही हुआ गलत हुआ वो पहले ग्राफ में दिखेगा, और सेकेंड ग्राफ में टोटल करेक्ट, टोटल इनकरेक्ट, और जहाँ तक अपने क्वेश्चंस टच किए थे वहाँ तक में कितने क्वेश्चंस आपने छोड़े हैं, सिर्फ वहीं तक का दिखाएगा। उसके आगे के छोड़े हुए क्वेश्चंस को काउंट नहीं करता है, तो इससे आपको पता चल जाता है कि आपका परफॉर्मेंस कैसा था। ठीक है, अगर आप इसमें फिर से जाकर चेक करना चाहते हैं कि आपका क्वेश्चंस क्या गलत हुआ था, क्या सही आंसर था, क्यों गलत हो गया आपने जो सोचा हो, तो आप यहाँ देख भी सकते हैं। अगर आपका इसको सोल्यूशन भी चेक करना है, तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस वाले सेक्शन में जाके सोल्यूशन देखना होगा। यहाँ सिर्फ आपको ये पता चलेगा कि सही ऑप्शन क्या था और आपने उसमें से क्या टिक किया था। इस पार्ट में आप हर सब्जेक्ट के, हर टॉपिक के, हर चैप्टर के, हर टॉपिक का आप टेस्ट ट्राई कर सकते हैं कि आपको कैसा आता है। इस पार्ट में आपको टॉपिक वाइज टेस्ट करने की फैसिलिटी अवेलेबल है। अगर आप फुल सिलेबस का टेस्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि आप किस तरह से फुल सिलेबस का किस तरह से टेस्ट दे सकते हैं। ओके, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूँगा फुल सिलेबस के बारे में। थैंक यू।